यहाँ बिग बॉस के घर की कैटरीना कैफ यानी कि पंजाब की शहनाज गर्ल जब से घर के अंदर आई हैं तभी से सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। वह आपको बता दें, बिग बॉस में आने से पहले शहनाज गर्ल को सरगुन मेहता ने दिए थे काफी सारे गुरु मंत्र और शो के अंदर सरगुन के उन्हीं गुरु मंत्र को फॉलो कर रही है शहनाज गर्ल। जी आपको बता दें, सरगुन टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। सरगुन और शहनाज गिल एक दूसरे को पंजाबी इंडस्ट्री के दौरान जानने और पहचानने लगे थे, जहां सरगुन मेहता कई पंजाबी एल्बम्स और पंजाबी मूवीज में काम करती दिखाई देती हैं, तो उसी दौरान शहनाज गिल की उनसे दोस्ती हुई थी। इसी बीच जब शहनाज ने सरगुन को ये बताया कि वो बिग बॉस के अंदर जा रही हैं, इस पर सरगुन ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे शो के लिए तुम बनी हो, तुम काफी क्यूट हो, लवली हो, स्वीट हो और सबसे खास बात तुम काफी ज्यादा एंटरटेनिंग हो, तो ऐसे शो में जाना तुम्हें जरूर चाहिए। साथ ही सरगुन ने ये भी कहा कि बिग बॉस तुम्हारे लिए ही बना है, ऐसे शो में ऐसे लोगों का जाना बेहद ही जरूरी होता है। बस सरगुन के इसी मोटिवेटेड गुरु मंत्र को सुनने के बाद सना और भी ज्यादा एक्साइटेड और इंस्पायर हो गई बिग बॉस के अंदर जाने के लिए। और सरगुन ने साथ ही सना को ये भी हिदायत दी कि तुम जैसी हो रियल लाइफ में जितनी स्वीट लवली और एंटरटेनिंग हो, बिग बॉस के घर में भी वैसे ही रहना। और सना बिग बॉस के अंदर कुछ भी फेक नहीं कर रही। वेल, जहां कई बार ये सुनने को मिलता है सोशल मीडिया पर कि शहनाज गिल को लोग फेक बताते हैं, तो उन सभी फैंस को हम बताना चाहते हैं कि शहनाज गिल जितना डाउन टू अर्थ घर के अंदर कोई भी नहीं है। तभी तो बी टाउन से लेकर छोटे पर्दे तक भी सेलेब शहनाज गिल को काफी ज्यादा सपोर्ट और पसंद कर रहे हैं। मतलब आपका क्या कहना है सरगुन के इस विजय मंत्र के बारे में जो उन्होंने शहनाज गिल को बिग बॉस में आने से पहले दिया था? नेक्स्ट 9 लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।